मैगी का नाम सुन के तो सबके मुंह में पानी आ ही जाता है। तो फिर आप सब बोलेंगे जब 2 मिनट में मैगी बन सकती है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये जो वेजिटेबल्स वाली मैगी है ना, ये ट्रस्ट कीजिए बहुत टेस्टी लगती है और आप ज़रूर से ट्राई करेंगे इसको देखने के बाद। तो यहाँ मैंने ना मैगी के 2 पैकेट्स ले लिए हैं। यहाँ मैंने स्पेशल मसाला वाली मैगी ली है। आप चाहें तो नॉर्मल वाली मैगी भी ले सकते हैं या फिर कोई भी आपको जैसे भी मैगी चाहिए वैसे फ्लेवर की आप मैगी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ले ली एक कढ़ाई जिसमें मैंने डाल दिया है 2.5 कप जितना पानी और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 पैकेट्स मैगी के। तो यहाँ ना मैंने मैगी को तोड़ा नहीं है, इसको मैंने इसी तरीके से स्क्वायर फॉर्म में ही डाला है। इसे जो नूडल्स हैं ना वो एकदम लंबे लंबे से निकलते हैं जब आप उसको खा रहे होते हैं और ना उसका स्वाद कुछ मुझे अलग ही लगता है और टेस्टी लगता है। तो फिर मैंने इसको तोड़ना प्रेफर नहीं किया। आप चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ ना मैंने हर एक मैगी के पैकेट के साथ एक एक टेस्ट मेकर आता है, तो यहाँ मैंने एक मैगी का जो एक टेस्ट मेकर है उसका आधा ही टेस्ट मेकर मैंने यूज़ किया है। थोड़ा सा यहाँ मैंने तेल भी डाल दिया है, यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच इतना तेल यूज किया है। इससे क्या होगा ना, हमारे जो नूडल्स हैं वो स्टिकी नहीं बनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज और आधी जो है मैंने यहाँ पे कैरेट और आधा शिमला मिर्च और 1/4 जितनी पत्ता गोभी और 1 मिर्ची ले ली है। तो मैंने प्याज को आप देख सकते हैं इस तरीके से लंबा लंबा जो है वो काट दिया है और फिर उसके बाद मैंने काट दिया है यहाँ पे हमारी जो शिमला मिर्च है उसको। आप चाहें तो और दूसरे कलर की जो शिमला मिर्च है ना वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन इसका काट देना है और इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस कर देना है शिमला मिर्च को और इसको लंबा लंबा काटने के बाद एकदम छोटे छोटे स्क्वायर्स में इसको कट कर देना है। इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है मैगी के अंदर। फिर उसके बाद हम यहाँ जो है नूडल्स बॉईल हो रहे थे ना उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमें जो नूडल्स है ना वो मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए पकाने हैं। तो अभी जो हमारे नूडल्स है ना वो थोड़े से कच्चे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए और बॉयल होने देते हैं। तब तक हम काट लेते हैं हमारी बाकी की वेजिटेबल्स। तो यहाँ हमें लंबा लंबा जो है हमारे पत्ता गोभी को काटना है। यहाँ जो मैंने नॉर्मल ग्रीन पत्ता गोभी ली है, आप चाहें तो पर्पल पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने गाजर काट लिया है, उसको भी मैंने ऐसे लंबा लंबा कट करके फिर स्क्वायर्स में जो है वो कट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से कट हो चुकी हैं। अब जो हमारी मैगी है ना वो आप एक बार एक जो उसका स्ट्रैंड है ना वो खा के एक बार चेक कर सकते हैं कि वो कच्ची है या नहीं। तो हमारी जो मैगी है ना वो अब पूरी तरीके से बॉईल हो गई है। तो अब हम उसको पानी में से निकाल के एक डिश में निकाल देंगे। फिर उसके बाद पूरी तरीके से जो मैगी निकल जाएगी उसके बाद हम इसको नॉर्मल या तो फिर टैप वाटर में भी आप डाल सकते हैं या फिर प्रेफरेबली ठंडा पानी अगर आप इसमें डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। ऐसे भी वो चिपकेगी नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी तेल डाला है, लेकिन जो है उसका जो प्रोसेस है ना कुकिंग प्रोसेस वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रेफरेबली आप उसको ठंडे पानी में ही डालिए। फिर हम एक मिर्ची भी काट देंगे पतली पतली। फिर हम ले लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच इतना तेल। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज और प्याज को ना हल्का सा जो है वो ब्राउन करेंगे और उसके बाद साथ ही साथ हम डाल देंगे यहाँ पर मिर्ची एकदम लंबी लंबी स्टेट की भी मैंने आधी लंबी स्टेट की थी और आधी जो है वो पतली पतली काट दी थी। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर हमारा जो कैप्सिकम है उसको, गाजर और उसके बाद पत्ता गोभी को और सबको जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। और याद रखिएगा इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो उसका जो क्रंचीनेस है ना वो चला जाएगा। तो हमारी वेजीज जो है वो पक के रेडी हो चुकी हैं। अब हम जो है ना पानी में से निकाल देंगे हमारे नूडल्स को और उसके अंदर हमारा जो डेढ़ टेस्ट मेकर बचा था ना उसको हम डाल देंगे। तो अभी मैंने आधा पैकेट डाल दिया है और उसके बाद मैं डाल दूंगी पूरा का पूरा पैकेट जो टेस्ट मेकर का था। और फिर इसके बाद ना हमें थोड़ा सा जो है वो नमक भी ऐड करना है। खैर वो ऑप्शनल है, थोड़ा फीका लगता है इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपको फीका ही पसंद है तो फिर आप नमक को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप जो है हम इसको एक फोक की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो सारे नूडल्स हैं ना वो अच्छे से टेस्ट मेकर में कोट हो जाए। तो हमारे जो नूडल्स हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब जो है इसको हम डाल देंगे हमारे जो वेजीज हमने तैयार किए थे उसके अंदर और उसके ऐड करने के पहले हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स है ना वो फीकी फीकी सी ना लगे। तो अब उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम नूडल्स डाल देंगे और उसके बाद इसको है ना स्लो फ्लेम के ऊपर ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारे नूडल्स है ना वो हमारी कढ़ाई को चिपके ना।
तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे और टेस्टी हमारे नूडल्स बन के रेडी हो चुके हैं। एकदम खिले खिले से नूडल्स हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं और देखने में भी सुंदर हैं और थोड़े बहुत हेल्दी भी हैं क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड की हैं। तो ये जो मैगी है ना, इसको आप बच्चों को भी अपने लंच बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि ये जो मैगी है ना बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं जैसे नॉर्मल मैगी चिपकती है, क्योंकि यहाँ इसमें हमने तेल डाला है और इसको अच्छे से हमने कुक किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें इतनी ही टेस्टी और हेल्दी और मजेदार रेसिपीज के लिए।